हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद क्या करते हो तुम? अब तो जी पढ़ाई कर रहे हैं, अब तो कुछ भी ना कर रहे हैं। खेत पे जाओ मैं यार। पढ़ाई कर रहे हैं अब, खेत पे जाके पढ़ाई। 11वीं में आ गा। कितनी उम्र है आप? 16 साल ही, 17 साल होगी। तो आप प्राइमरी में पढ़ने गए थे क्या? आपने बड़े गौर से सुन रहे थे राजपाल जी की बात को? ना जी, मैं तो उसमें पढ़ा प्राइवेट में। आप सरकारी में क्यों नहीं गए? ये सरकारी में वो मिला है जलिया पलिया, वो बर्तन बजाओ ये बता रहे हैं ना। तो ये बता रहे हैं, आपका क्या सत्य है? जिसमें मैडम पढ़ाई ना करवाती हैं। आप तो गई नहीं, आपको कैसे पता? देखे हैं बालकों को आके, नया करो नुई उतरे हुए जावा, नया करो में जावा, नुई बलियान पड़े हुए, नहा धोके भी ना जाते, साफ सुथरे ना रहते। तो वो तो घर वालों की जिम्मेदारी होगी ना, साफ सुथरा भेजना। जी उनकी भी तो जिम्मेदारी है, क्या बच्चों से उनको साफ होकर नाखून काट का करो, नहा का करो। अच्छा, उनको बच्चों से कहना चाहिए कि नाखून काट के और नहा के आया करो। तो जी मोबाइल ले आप जब प्राइवेट में जाते थे तो आपसे कहा जाता था ये चीजें? हाँ जी, नहा का भेजा करे रोज घर वाले भी, और वे भी क्या करें, अन्य भगा दे करे स्कूल में से, भगा देते थे। हाँ। तो आपने नाम क्या बताया? मोहम्मद। मोहम्मद साहब, आप आगे चल के क्या करने का इरादा है आपका जिंदगी में? जी इरादा तो बहुत बड़ा, पर जी करना मैं चाहता हूँ जी। बड़ा इरादा है, बताओ क्या इरादा है जी? मैं इस पे देश पर राज करना चाहता हूँ। हंसने वालों पे नहीं, नहीं 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 विचार है। इसको देश को सुधारना, आप भी सुन रहे हैं? इसको देश को सुधारना चाहता हूँ मैं। मोहम्मद देश पे राज करना चाहते हैं, देश को सुधारना चाहते हैं। हाँ जी। कैसे राज करोगे और कैसे सुधारोगे? बारी सुधारेंगे तो ऐसे ही हो। राज कैसे करोगे? राज तो ऐसे करेंगे जी, जैसे अब मोदी जी राज कर रहे हैं, मोदी जी का वो है सरकार चल रही है मोदी जी की, तो वे जैसे देशों के नाम बदले जावे, जैसे मुसलमानों के देश है, कई सारे देश है मुसलमान नाम है जिनके, कुछ ऐसे उन देशों के नाम बदल कर अलग अलग रख दिए, हमें तो पता ना जी क्या क्या रख दिए, स्टेट के नाम बदल के रख दिए। हाँ ऐसा नाम बदल दिए। एक सेकंड, तुम्हें देश पे राज करना है ना? हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान के? हाँ। तो उसके लिए पहले देश को जाना, तुम क्या कह रहे हो मोदी जी ने किसका नाम बदला? अभी जो बताया, क्या बताया तुमने? योगी जी ने बदला है, योगी जी बदल ले जिन की जिला पंचायत का प्रस्ताव आया है, अलीगढ़ का। हाँ तो नाम बदल जी। बस मैं नू चाहता हूँ यू हिंदुस्तान जो साफ सुथरा हो जावे। एक तो आदमी पौवा पी कर नू नहीं पता कहाँ पड़ा, शराब बंद हो जावे हिंदुस्तान में। ये तो शराब बंद हो जाएगी जी, शराब बिल्कुल बंद, शराब बंद और नशा बंद जी बिल्कुल। ये भंग चरस गांजा ये सब फूक रहे हैं। ये बताओ, मोहम्मद कह रहे हैं कि शराब बंद नशा बंद है ना, सब नशा बंद कर दो, पर गुटका तो आप भी खा रहे हो, आपके दांत बता रहे हैं। जो गुटका तो ये बढ़िया लगा है। पर नशा तो गुटका भी होता है। नशा ना होता जी इसमें, ये तो जी मुंह में डालो और लो कसला हाथ में पकड़ कर करो जाओ काम, पता ही नहीं लगता कितना थकते हैं आदमी। मुंह में गुटका डालो और कसला लेके बजाओ जाओ काम, बजाओ जाओ। पर ये है तो नशा, आप बोल रहे हो कि आप नशा बंदी? अजी नशा तो हुआ है, पौवा भी नू झूम हो जाओ आदमी। कैसे झूमता है? नू कर नू गोल बैठक कर, हट जाओ बे अलग को हट जाओ। हाँ। ऐसा नहीं करते, इसमें तो गुटका खा का आदमी अपना उसे पता रहे अपने। अभी भी खा रखा है? हाँ जी खा रखा, कमला पसंद है। कमला जी आदमी नहीं खोता, अपना संतुलन नहीं खोता। हाँ जी पौवा पी का आदमी नू नहीं पता मैं कौन हूँ कहाँ का हूँ। कह रहे हो कि ऐसा नशा करे आदमी जैसे आपने किया कि संतुलन ना खोए? हमसे तो करे ही मत ना। तो फिर आपने क्यों किया? यू तो मेरा शौक, अपने अपना छोटा मोटा कर लो कोई बात ना। छोटा मोटा शौक कर? हाँ पर बड़ा नहीं, बड़ा नहीं। अरे उसको बात समझ दीजिए भाई, सबकी बात सुन। हाँ तो आप राज कैसे करोगे फिर? ये तो हो गई आपकी बात जी, कैसे राज करोगे? नेता बनोगे? नेता बनूंगा। किस पार्टी के नेता बनोगे? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के नेता बनके तुम देश पे राज करोगे, कैसे करोगे? अभी तो समाज पार्टी के जी मुखिया, जैसे गरीब स्कूल है सरकारी स्कूल है उन्हें अच्छे अच्छे मतलब। नहीं नहीं मैं तुम्हारे एजेंडे पे आऊंगा कि जब तुम राज करोगे तब क्या करोगे, उस पे आऊंगा। वो सवाल नंबर दो होगा, सवाल नंबर एक है कि राज कैसे करोगे, जैसे तुम समाजवादी पार्टी में भी हो या ज्वाइन करोगे? हैं जी समाजवादी पार्टी के मेंबर हो। हाँ जी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने की जरूरी है, समाजवादी पार्टी कम से कम 272 सीटें जीते। अच्छा जी, अभी तो उठे बिना जी बीडीसी में भी उठेंगे, आपका इलेक्शन आएंगे बीडीसी में उठोगे। हाँ। तो शुरुआत चुनाव हुआ था बीडीसी का, उसमें नहीं लड़े ना जी, अभी ना लड़े, अभी उम्र नहीं। हाँ अभी उम्र ना। तो शुरुआत मोहम्मद करेंगे बीडीसी से जी, फिर उसके बाद प्रधानी से, फिर प्रधानी। तो फिर ये जो नदीम प्रधान है ये इनसे मुकाबला होगा? हाँ जी होगा, होगा। दवा के करेंगे टक्कर पे, दवा के करेंगे टक्कर पे। हाँ जी। पर अभी तो ये जिला बदर भी है। हाँ जी जिला बदर है, 6 महीने को, 6 महीने को जिला बदर है। तो अगले चुनाव में खजूरी के
मोहम्मद कैंडिडेट होंगे अगले में तो बीडीसी के होंगे। हाँ जी बीडीसी के सीधे तो प्रधानी नहीं लड़ जाएंगे। ना ना जी सीधे ना, पहले जानकारी लूंगा इस बारे में कैसा करता आदमी, समझूंगा इस बात को, फिर बीडीसी में उठूंगा, फिर प्रधानी में, फिर जिला पंचायत में, फिर जिला अध्यक्ष में, फिर जी उसमें वो बनूंगा मंत्री, मंत्री बनूंगा। हाँ फिर जी मोदी की जगह लूंगा, योगी की। योगी की कि मोदी की? पहले योगी की फिर मोदी की। पहले मुख्यमंत्री बनोगे फिर प्रधानमंत्री? तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव को अपने साथ रखा करूंगा। पर पार्टी में तो अखिलेश यादव अध्यक्ष है। हाँ तो जी इतने तो है, जितने मैं उनके उस पर पहुंचूंगा इतने तो वे बुढ़े हो लेंगे। अच्छा तो फिर पहुंच गए, चुनाव भी जीतना पड़ेगा। हाँ जी मेहनत करेंगे उसके लिए। मेहनत करोगे और साथ में पढ़ाई भी चालू रखोगे? पढ़ाई चालू रखेंगे। अब तो जी कोरोना हो जाए, क्या नाम आदमी की स्कूल ही ना खुल ले, खुल गए स्कूल। अच्छा, अब जब तुम बन जाओगे हाँ जी, तो फिर क्या करोगे देश में? एक तो तुमने कहा शराब बंदी करोगे। शराब बंद करूंगा, अजू लेडीजों का राज बंद करूंगा। लेडीज का राज बंद करूंगा। हाँ जी कैसे? लेडीज के राज से क्या दिक्कत है? अजी कहीं मोहल्ले चौपले पे भी लेडीज खड़ी हो वहाँ को जाने में भी डर लगा है। मोहल्ले पे चौराहे पे लेडीज खड़ी तो जाने क्यों डर लगता है? अजी छत्ता ना लगवा दे। तो कोई आप ऐसा काम करोगे गड़बड़ तभी तो छत्ता लगेगी। अजी वो जो लखनऊ में वो लड़की ने उस पे केस करा ड्राइवर पे, उसका तो कोई गलती भी नहीं जी, कैमरे में भी रिकॉर्ड है वो तो। और जो उसने जब भी उस पे थप्पड़ बजे और उसे थाने में बंद करवाया, अरे जी उसके तो कोई नहीं कर रहा ऐसा किया। हाँ जी इसलिए तुम सब लड़कियों का निकलना बंद करवा दोगे? जी सब लड़की करती है ऐसा। सब लड़की करती? हाँ। क्या करती है सब लड़की? ये उम्र की है चाचा। अभी सुनिए मैं थोड़ा आपकी बात पूरी सुनी ना, तो लड़कियों का निकलना बंद करो, लड़कियां तो नौकरी करेंगी पढ़ेंगी तभी देश तरक्की करेगा। जी कुछ लड़कियां वो अच्छी लगती हैं जो मेडल लाती हैं देश के लिए। मेडल लाती वो अच्छी लगती? हाँ जी वे लड़के अच्छे नहीं लगती जो सिगरेट भी पी रही है और जी लड़कों को छत्ता लगवा रही, इनको मुझे छेड़ दिया, यू कर दिया वो कर दिया। लड़के छेड़ते नहीं लड़कियों को? जी छेड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तो लड़की कंप्लेन करेगी तभी सजा मिलेगी? हाँ जी, पर लड़की बेफालतू की सजा कर रही है, ज्यादा सपोर्ट भी सब उनके लिए करते हैं लड़कियों को। लड़कों का कोई सपोर्ट ही ना करता। और लड़की के सिगरेट पीने से भी दिक्कत है? हाँ जी लड़की। अच्छा, कमला पसंद खाए लड़की तो चलेगा? हाँ खा लो जी। खा लो तो दिक्कत नहीं, सिगरेट में दिक्कत है? हाँ जी सिगरेट तो जी फेफड़े का लावा है। और गुटखे से क्या होता है, दांत मजबूत होते हैं? दांत तो सही रहे पर जी काम भी तो सही हुआ है। कसला दाना चला है। तो लेकिन जैसे अभी लोकसभा में बहुत सारी लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं वो लोकसभा की मेंबर हैं, तो फिर उन सबका बंद? हाँ जी बंद 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 सब बंद, सिर्फ लड़के लड़के बैठेंगे कहाँ लोकसभा में? हाँ जी लड़के भी वे बैठने चाहिए जो समझदार हो, लड़के भी बैठो लेकिन जो देश के लिए हित में कुछ करे, देश के लिए अच्छा करा काम हुए तो बैठने चाहिए। अब नो थोड़ी उछल उछल के थप्पड़े बजाओ जो ड्राइवरों पे। हाँ जी तो एक लड़की के हिसाब से आप सब लड़कियों का बंदी करवा दे रहे हैं? जी सब नहीं, आदमी ज्यादा लड़की कहीं तय करेंगे मोहम्मद, कैसे तय करेंगे ये लड़की सही है ये सही नहीं? जी लड़की पढ़ कर जैसे किसी नौकरी पर नौकरी करी, जैसा हम है हम कहीं नौकरी के लिए जाएंगे, हमारा इंट्रोडक्शन लेंगे, हमसे पूछेंगे क्या क्या, जब हमारी काबिलियत देख के तो हमें नौकरी देंगे। ऐसी लड़कियों की काबिलियत देख के हम उन्हें देंगे उनका दर्जा जो चाह रही है। तो वो आदमी तय करेंगे कि औरत की काबिलियत क्या है? हाँ जी जो देश के मुख्यमंत्री जी ये हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री ये तो देख के बताएंगे उनको ये सही है ना इस काम के लिए नहीं है। नहीं, वो तो सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग अधिकार। हाँ चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लेडीज लड़ेगी जी, यहाँ तो कोई लड़ देना पर्दे में रह भाई। पर्दे में तो पर्दे से बाहर निकल के भी तो बहुत सारी औरतें काम कर रही हैं जी। पर्दे वे तो कर रही हैं जी, वे तो छलो चल कर रैंपटे बजा रही जो पर्दे से खुल के कर रही है। अजू गरीब का क्या करोगे तुम देश के लिए? बस देश के लिए जी मैं देश को इतना साफ सुथरा कर दूंगा, मतलब जी वैसे साफ सुथरा ना, वैसे सफाई वफाई कूड़ा वाड़ा मतलब ये हटा दूंगा। कौन सा साफ सुथरा था दूसरा? नहीं कदी जी कदी गलत समझो तुमने को लोग बागों को हटा दे। हाँ, हाँ। और जी काम करूंगा, बच्चों को गरीबों को फ्री कोर्स करूंगा सरकारी स्कूलों में, किताबें फ्री करूंगा, एडमिशन फ्री, सब काम फ्री करूंगा, ड्रेस लूंगा। रेवेन्यू जिसको बोलते जी पेट्रोल पहले हाँ 60 को 50 को अब हो रहा जी 100 को, तो यू पैसा यू सारा सरकार पे तो जा रहा फालतू को पर का 4,00,000 करोड़ रुपए कमाया है एक साल में। तो आप कह रहे हो कि पेट्रोल डीजल तो आप फिर और महंगा कर दोगे?
ना जी महंगा क्यों करेंगे, आप सस्ता करोगे? हाँ सस्ता करेंगे। टैक्स तो वहीं से आता है। कहाँ से? पेट्रोल डीजल और दूसरी चीजों से। जी पहले ना करा, पहले जो सरकार ही वो भी तो अपनी सरकार चलाई रही होगी, उस पर भी तो पैसा कहीं से आ रहा होगा, वो भी तो 60 को बेच रही, इन्होंने 100 को कर दिया। पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर। हाँ जी सस्ता कर दूंगा। और क्या करूंगा जी, गरीबों को देखूंगा, राशन पानी देखूंगा उनका। चलिए